नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। यहाँ पर हम इस वीडियो के दौरान बात करने वाले हैं बेस्ट गेमिंग रोम के बारे में। तो यहाँ पर CR.9.0 के साथ जो है Redmi Note 7 डिवाइस के ऊपर ऑफिशियल Android 13 का जो बिल्ड है अवेलेबल हो गया है। एंड इस रोम के साथ आपको यहाँ पर जो काफी बढ़िया गेमिंग एक्सपीरियंस देने को मिलेगा, प्लस ढेर सारी कस्टमाइजेशन ऑप्शंस को ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर इस वीडियो के दौरान CR.9.0 का जो रिव्यू है आपके साथ शेयर करने वाले, तो वीडियो को अंत तक देखना। इस वीडियो के दौरान जो है पर बेंचमार्किंग, बैटरी बैकअप, क्या क्या नया फीचर्स को ऐड किया गया है, कस्टमाइजेशन, ऑलमोस्ट सभी टॉपिक पर बात करने वाले। तो वीडियो को अंत तक देखो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में CR.9.0 का डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाके Redmi Note 10 Pro डिवाइस के ऊपर इस रोम को डाउनलोड कर सकते हो। एंड्रॉयड 13 का बिल्ड है, ऑफिशियल बिल्ड देने को मिलेगा Redmi Note 7 डिवाइस के लिए। 5th November का जो सिक्योरिटी पैच अपडेट है ऐड किया गया है। 4.4 नेक्सस कर्नल के साथ एज बेल्ट है अवेलेबल है, काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देने को मिल जाएगा नेक्सस कर्नल के साथ। नाउ यहाँ पर जो रैम मैनेजमेंट है इस रोम के साथ काफी बढ़िया है, पर रैम मैनेजमेंट के साथ कोई भी इशू देने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर हमारे पास 3GB रैम, उसके साथ ही काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देने को मिल जाएगा रैम मैनेजमेंट के साथ। नाउ बात कर लेते हैं, हमने यहाँ पर इस रोम के साथ कुछ बेंचमार्किंग एप्लीकेशन को रन किया था। यहाँ पर 3D मार्क के साथ जो वाइल्ड लाइफ के ऊपर 374 का स्कोर देने को मिल गया है Redmi Note 7 डिवाइस के साथ। यहाँ पर 3D मार्क के साथ वाइल्ड लाइफ का जो स्कोर है कुछ इस तरह से देने को मिलेगा। अगर बात करें पर Geekbench 5 के साथ जो सिंगल कोर के साथ 327, मल्टी कोर के साथ जो 1222 का स्कोर देने को मिल गया है Geekbench 5.4.6 के साथ Android 13 के साथ। तो पर जो एवरेज जो स्कोर है, एवरेज कुछ इस तरह से देने को मिलेगा सिंगल कोर के साथ, मल्टी कोर का जो स्कोर है एवरेज से थोड़ा सा कम देने को मिल गया है। अगर बात करें पर जो सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट के बारे में, लगभग 5 मिनट के लिए एजो टेस्ट हमने रन किया था, मैक्स गया है 164, एवरेज 151, मिनिमम है 136। या पर जो 88% का सीपीयू थ्रॉटल देने को मिल गया है, मैक्स व्यू गया है 2.20 GHz तक। तो पर जो Redmi Note 7 डिवाइस का नॉर्मली 140 के आसपास मैक्स रहता है, बट यहाँ पर जो 164 यहाँ पर जो मैक्स है, तो यहाँ पर परफॉर्मेंस जो है काफी बढ़िया है सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट के साथ। अगर बात करें पर जो सेफ्टी नेट के बारे में, पर जो बाय डिफॉल्ट विदाउट मैजिक्स विदाउट रूट सेफ्टी नेट पास हो जाएगा, मतलब गूगल पे फोन पे इस तरह के जो एप्लीकेशन से बाय डिफॉल्ट काम करेगा, तो पर जो बाय डिफॉल्ट इस रोम के साथ सेफ्टी नेट पास हो जाएगा। तो यहाँ पर CR.9.0 के साथ जो है पर जो यहाँ पर जो कास्ट का जो ऑप्शन है उसे रिमूव कर दिया गया है। लेटेस्ट जो नवंबर का जो सिक्योरिटी पैच अपडेट है ऐड किया गया है। अगर बात करें पर जो कैमरा टू पे के साथ लेवल 3 का सपोर्ट है, पर जो जीकैम भी काम कर जाएगा। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ए वाला जो कैमरा एप्लीकेशन से ऐड किया गया है, लाइनेज इसको जो कैमरा एप्लीकेशन से ऐड किया गया है, पर QR कोड को स्कैन करने का ऑप्शन है, वीडियो का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, फोटो का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, पर फ्लैश का ऑप्शन है, जूम का ऑप्शन है, टाइमर 16:9, यहाँ पर जो ग्रिड टाइप का ऑप्शन है, प्लस सीरीज के ऊपर जो है कैमरा साउंड को डिसेबल कर सकते हो, यहाँ पर सेव लोकेशन का ऑप्शन है, यहाँ पर जो है मैक्सिमम ब्राइटनेस का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। यानी पर लाइनेज इसका जो कैमरा एप्लीकेशन है, इसका जो रिव्यू वीडियो है ऑलरेडी हमने अपलोड किया है, आप सिंपली जीकैम का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके चेकआउट करके देख सकते हो। एंड यहाँ पर जीकैम गो भी काम कर जाएगा, कैमरा गो भी काम कर जाएगा, पोर्ट्रेट मोड, फोटो वीडियो का ऑप्शन है, यहाँ पर फ्लैश, टाइमर, फेस रिटचिंग, सेव सेल्फीज एज प्रीव्यू, ग्रिड टाइप का ऑप्शन है। हमने यहाँ पर गूगल कैमरा 8.7 का जो फास्ट लुक का जो वीडियो है ऑलरेडी हमने अपलोड किया है, आप सिंपली जीकैम का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाके चेकआउट करके देख सकते हो। प्लस Redmi Note 7 डिवाइस के ऊपर CR.9 कस्टम रोम को किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, इसका जो स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड किया है, आप सिंपली Redmi Note 7 का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाके इंस्टॉलेशन वीडियो को चेकआउट करके देखो। एंड यहाँ पर इस रोम के साथ जो पर बाय डिफॉल्ट जी एप्स अवेलेबल नहीं है, आपको अलग से जी एप्स को फ्लैश करना होगा, अलग से प्ले स्टोर को इंस्टॉल करना होगा, कुछ इस तरह से ऐसे भी जो ऑप्शन है ऐसे भी एप्लीकेशन देने को मिलेगा। ना पर बात कर लेते हैं फीचर्स के बारे में, क्या क्या फीचर्स को ऐड किया गया है CR.9 कस्टम रोम के साथ। सबसे पहले पर जो है बात कर लेते हैं बैटरी बैकअप के बारे में। तो यहाँ पर जो है Redmi Note 7 डिवाइस के साथ लगभग 5 से 6 आवर के आसपास स्क्रीन ऑन टाइम देने को मिल जाएगा। पर बैटरी ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन है, बैटरी टेम्परेचर का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। ओवरऑल जो बैटरी बैकअप है काफी बढ़िया है, डिपेंड करता है कौन कौन से एप्लीकेशन को यूज करते हो। नेक्स्ट यहाँ पर इस बिल्ड के साथ जो पर फेस अनलॉक का ऑप्शन है, फिंगरप्रिंट का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। अगर बात करें पर फिंगरप्रिंट के बारे में, सिंपली टैप किया ओपन हो गया, पर जो फिंगरप्रिंट सेंसर काम कर जाएगा बहुत ही फास्ट, आपको जो डिवाइस है अनलॉक हो जाएगा, काफी बढ़िया बात है, पर फिंगरप्रिंट सेंसर काम करता है। अगर बात करें पर जो फेस अनलॉक के बारे में, जो फेस अनलॉक को भी ऐड किया गया है, एंड जो फेस अनलॉक है काफी फास्ट है,
बहुत ही फास्ट आपका जो डिवाइस है अनलॉक हो जाएगा। एक बार फेस अनलॉक प्लस फिंगरप्रिंट का जो ऑप्शन से काम कर चुका है इस बिल्ड के साथ, इसे ऐड किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर इस बिल्ड के साथ जो है वाईफाई काम करता है, ब्लूटूथ भी काम कर जाएगा, फ्लैशलाइट भी काम करता है, हॉटस्पॉट का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, नाइट लाइट का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। यहाँ पर एक्स्ट्रा डिम का ऑप्शन है, कुछ इस तरह से वॉल्यूम पैनल का जो यूआई है देने को मिलेगा। क्यूआर कोड को स्कैन करने के लिए ये जो टॉगल है ऐड किया गया है। प्लस इस बिल्ड के साथ जो है लाइट थीम का जो ऑप्शन है अवेलेबल है क्विक सेटिंग्स पैनल के ऊपर। यहाँ पर डार्क मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। प्लस यहाँ पर इस बिल्ड के साथ जो है एडवांस रिबूट का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, रिकवरी बूट लोडर प्लस जो सिस्टम यूआई को रिबूट कर सकते हो इसमें ऐड किया गया है, इस भी ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर नोटिफिकेशन के ऊपर एनहांस नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन डॉट ऑन ऐप आइकन का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। साउंड एंड वाइब्रेशन के ऊपर जो नोटिफिकेशन वॉल्यूम को एडजस्ट करने का ऑप्शन है, इंक्रीज रिंग वॉल्यूम का ऑप्शन है। यहाँ पर वाइब्रेशन हैप्टिक के ऊपर जो रिंग वाइब्रेशन, नोटिफिकेशन वाइब्रेशन, टच फीडबैक का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, रिंग टंग वाइब्रेशन पैटर्न का ऑप्शन है। प्लस जो पावर अप वॉल्यूम कंट्रोल का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, चार्जिंग साउंड का ऑप्शन है। और टच साउंड एंड स्क्रीन लॉकिंग साउंड को डिसेबल करने का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। डिस्प्ले के साथ मैक्सिमम ब्राइटनेस, लो ब्राइटनेस पर कोई भी इशू नहीं है। ऑटो ब्राइटनेस का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। यहाँ पर जो है अलाउ फेस अनलॉक ऑन लॉक स्क्रीन, स्किप लॉक स्क्रीन का ऑप्शन है। यहाँ पर जो है वेकअप स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, जब भी आपके डिवाइस पर कोई भी नोटिफिकेशन आएगा ऑटोमेटिकली डिस्प्ले जो है ऑन हो जाएगा। यहाँ पर डार्क मोड के साथ जो है पिच ब्लैक थीम को ऐड किया गया है, तो बच्चे पिच ब्लैक थीम का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा डार्क मोड के साथ। यहाँ पर नाइट लाइट मोड का जो ऑप्शन से काम करता है, लाइव डिस्प्ले का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। डबल टैप टू वेकअप का ऑप्शन है, डबल टैप टू वेकअप का जो ऑप्शन से इसे एनेबल करने के बाद सिंपली डबल टैप करते हैं डिस्प्ले जो है ऑन हो जाएगा। प्लस यहाँ पर जो है डबल टैप टू स्लीप का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, एंड वेकअप ऑन प्लग का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है इस बिल्ड के साथ। प्लस यहाँ पर इस बिल्ड के साथ जो है वॉलपेपर स्टाइल के साथ जो है वॉलपेपर कलर बेसिक कलर का ऑप्शन है। और थीम आइकॉन डार्क मोड अपग्रेड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा इसे भी ऐड किया गया है। माइक्रोफोन एक्सेस प्लस कैमरा एक्सेस का ऑप्शन है, एंड प्राइवेसी डैशबोर्ड का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। यहाँ पर आप देख पाओगे कॉन्क्वेस्ट एप्लीकेशन जो है लोकेशन कैमरा माइक्रोफोन का जो एक्सेस पूछ रहा था, एंड यहाँ पर लोकेशन का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। प्लस पर जो सीआर डॉट सीरीज को ऐड किया गया है, पर जो सर्च बार के ऊपर जो कॉन्क्वेस्ट आइकन को शो करना चाहते हो इसके लिए ये ऑप्शन है। नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, डीआर डिजिटल आइकन का ऑप्शन है, 4G आइकन का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, ब्लूटूथ बैटरी सेटअप का ऑप्शन है, माइक कैमरा प्राइवेसी इंडिकेटर, लोकेशन प्राइवेसी इंडिकेटर का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, एंड बैटरी परसेंटेज व्हेन चार्जिंग का ऑप्शन है, बैटरी वार का ऑप्शन है, डबल टैप टू स्लिप का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, ब्राइटनेस कंट्रोल का ऑप्शन है, आप सिंपली सर्च बार के साथ ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हो। क्विक सेटिंग्स क्विक पुल डाउन का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, और क्विक सेटिंग्स के ऊपर जो है बैटरी स्टाइल, बैटरी लोकेशन, बैटरी एस्टिमेट का ऑप्शन है। ऑटो ब्राइटनेस का जो आइकॉन है पर क्विक सेटिंग्स पैनल के ऊपर इसे भी आप चाहो तो यहाँ से डिसेबल कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है। नेबर जो है क्विक सेटिंग्स पैनल के ऊपर जो ओपेसिटी उसे भी आप चेंज कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है। कुछ इस तरह से क्विक सेटिंग्स पैनल के साथ ओपेसिटी को चेंज करने का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है। एंड यहाँ पर जो क्विक सेटिंग्स पैनल के ऊपर जो वर्टिकल लेआउट का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, कुछ इस तरह से वर्टिकल लेआउट का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। प्लस पर जो है इस तरह से अब जो कस्टमाइजेशन ऑप्शन को भी ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है। इसे भी ऑप्शन अवेलेबल है इस बिल्ड के साथ। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं लॉक स्क्रीन के बारे में, लॉक स्क्रीन के साथ जो पर बैटरी इन्फो का ऑप्शन है, डबल टैप टू स्लिप का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, और फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन वाइब्रेशन का ऑप्शन है, फिंगरप्रिंट इरर वाइब्रेशन का ऑप्शन है। पर फोन को अनलॉक करने के टाइम जो रैपिड एनिमेशन उसे डिसेबल करने का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। यहाँ पर लॉक स्क्रीन से आप जो पावर मेनू को बंद कर सकते हो इसे भी ऐड किया गया है। नेविगेशन के ऊपर नेविगेशन बार का ऑप्शन है, पिक्सल एनिमेशन का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, बटन्स के ऊपर जो इसी ऑप्शन को ऐड किया गया है। यहाँ पर सिंपली आप जो पावर बटन के साथ कॉल को बंद कर सकते हो इसे ऐड किया गया है। लॉन्ग प्रेस फॉर टच का ऑप्शन है, इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद सिंपली फोन को लॉक करने के बाद पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करके आप जो फ्लैशलाइट को एनेबल कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है। वेकअप डिवाइस का ऑप्शन, इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद वॉल्यूम बटन के साथ डिवाइस को वेकअप कर सकते हो, कॉल को आंसर कर सकते हो वॉल्यूम बटन के साथ। प्लस प्लेबैक कंट्रोल का ऑप्शन, इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद सिंपली आप जो वॉल्यूम बटन को लॉन्ग प्रेस करके आप जो गानों को स्किप कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है। बट यूजर इंटरफेस का ऑप्शन है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले चार्जिंग एनिमेशन का ऑप्शन है, फुल स्क्रीन ऐप्स को ऐड किया गया है, स्क्रीन ऑफ एनिमेशन का ऑप्शन है, मॉनिटर सेटिंग्स का ऑप्शन है, नेविगेशन बार स्टाइल का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, आइकॉन पैक, सिग्नल आइकॉन स्टाइल, वाईफाई आइकॉन स्टाइल का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। एंड पर साउंड के ऊपर जो वॉल्यूम स्टेप कस्टमाइजेशन का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। प्लस पर जो स्क्रीनशॉट साउंड को डिसेबल करने का ऑप्शन है, एडाप्टिव प्लेबैक का ऑप्शन है। कुछ इस तरह से वॉल्यूम पैनल का जो यूआई है देने को मिलेगा। वॉल्यूम पैनल का जो यूआई आप चाहो तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में शो कर सकते हो,
वॉल्यूम पैनल का जो टाइम आउट का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, इनकॉल वाइब्रेशन ऑप्शन के ऊपर वाइब्रेटन कनेक्ट, वाइब्रेटन कॉल वेटिंग, वाइब्रेटन डिस्कनेक्ट का जो ऑप्शन काम कर जाएगा इसमें ऐड किया गया है। यहाँ पर स्मार्ट चार्जिंग का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है रेडमी नोट 7 डिवाइस के साथ इस रॉम के साथ। एंड यहाँ पर जो सिस्टम के ऊपर जो है एसी ऑप्शन से पर गेजेस के ऊपर जो है क्विकली ओपन कैमरे का ऑप्शन है, सिस्टम नेविगेशन के ऊपर जो है 2 बटन नेविगेशन, 3 बटन नेविगेशन, गेजेस नेविगेशन का ऑप्शन है। यहाँ पर 1 हैंडेड मोड को ऐड किया गया है, प्लस इस बिल्ड के साथ जो पर प्रेस एंड होल्ड पार्ट बटन का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। पर सिस्टम अपडेट को इंस्टॉल करने के लिए जो ओटी अपडेट का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है सी एंड्रॉइड कस्टम रॉम के साथ, काफी बढ़िया बात है। अब डेफिनेटली रेडमी नोट 7 डिवाइस के ऊपर इस रॉम को ट्राई करके देखो। इस रॉम का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाकर इस रॉम को ट्राई कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रेडमी नोट 7 का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर इस रॉम का जो इंस्टॉलेशन वीडियो है उसे आप चेकआउट करके देखो। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर।